अब यहाँ पर ब्रह्मा जी रचना का कार्य कर रहे हैं, पर कोई भी ठीक से सफल नहीं हो रहा। तो उन्होंने भगवान का ध्यान किया तो ब्रह्मा जी के दाहिने हिस्से से स्वयंभू मनु यानी एक पुरुष और बाएं हिस्से से शतरूपा यानी एक स्त्री की रचना हुई। आइए आराम से आराम से। एक स्त्री की रचना हुई। दोनों से कहा गया जाकर संसार को आगे बढ़ाइए। उनके दो पुत्र तीन पुत्रियां हुई, देहूति प्रस्तुति आहुति और उत्तान पाद और प्रियव्रत। आगे जाके उत्तान पाद को राजा बनाया गया। उनका विवाह सुनीति नामक कन्या से हुआ पर उन्हें कोई संतान नहीं हो रही। अब संतान चाहिए तो फिर उन्होंने दूसरा विवाह किया सुरुचि नामक कन्या से। अब वो अत्यंत सुंदर, उसकी सुंदरता ऐसी कि राजा उसके आगे सब कुछ भूल जाए। धीरे धीरे वो पहली पत्नी के पास कम जाने लगे। अब यहां पर सुरुचि गर्भवती होती है। यहां सुरुचि गर्भवती हुई, वहां सुनीति भी गर्भवती हुई। समय लग गया, उन्हें लगा कि संतान नहीं हो रही है पर लीला है और कुछ नहीं। तो यहां दोनों गर्भवती होती है, दोनों को बालक हुए। सुरुचि से जो बालक हुआ उसका नाम रखा उत्तम और सुनीति से जो बालक हुआ उसका नाम रखा ध्रुव। दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं, ऐसे भी छोटे छोटे ही है लेकिन चलने लग गए हैं, बोलने लग गए हैं, खेलने लग गए हैं। अब यहां पर एक दिन राजा युद्ध से जीत कर लौटते हैं। पहले वो सुनीति के पास आते थे, आज सीधा सुरुचि के पास गए। कमरे में है, सेवकों से कह दिया किसी को अंदर मत आने देना। अंदर वो है, पत्नी है, उत्तम है, अपना पारिवारिक समय बिता रहे हैं। ध्रुव जी को पता चलता है कि पिता जीत कर आए हैं, बच्चा है, बहुत खुश हो गया। पूरे राजमहल में आवाज गूंज रही है पिताजी पिताजी पिताजी। दरवाजे तक पहुंचते हैं कि सेवकों ने रोक लिया, नहीं जा सकते अंदर। क्यों नहीं जा सकता, वो मेरे पिता है। बोले उन्होंने मना किया है कि किसी को भी अंदर ना आने दिया जाए, अब उनके आदेश का पालन नहीं करेंगे तो वो दंड देंगे। है तो ये भी राजा का बेटा, हरकतें तो आएंगी। वो कहे तो मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे तो मैं दंड नहीं दूंगा। अरे उनके दंड से तो मैं बचा सकता हूं पर मेरे दंड से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब सेवकों को भी लग रहा है कि अपना बच्चा है, क्यों वो जरूर बोले होंगे दूसरों के लिए कि कोई काम के लिए ना आ जाए, कोई मंत्री ना आ जाए कुछ। उन्होंने कहा इसको तो जाने देते हैं, उन्होंने जाने दिया। जाने दिया तो ध्रुव जी भाग कर जाते और सीधा अपने पिता की गोद में बैठते। वो भी पिता है, प्रेम तो आ ही जाता है, तो वो भी लाड़ करने लगे उसको। उससे पूछ रहे हैं वो कैसा है क्या है, यानी आपस में बातचीत हो रही है। सुनीति को, सुरुचि को अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि उत्तम नीचे बैठा है, ध्रुव गोद में बैठा है। मानो उसको ये दृश्य भविष्य दिखा रहा है कि ध्रुव राज सिंहासन पर बैठा है और उत्तम नीचे बैठा है। ये दृश्य उसकी आंखों के सामने आते ही उसने ध्रुव जी के हाथ को पकड़ा और नीचे धकेल दिया। एक बार के लिए महाराज उठते हैं पर जैसा मैंने कहा उसको सुरुचि के आगे कुछ भी नजर नहीं आता था, फिर बैठ गए। अब वो बच्चा देख रहा है, वो कहे आप इतना बदल गए, विश्वास नहीं होता। पहले आप हमसे मिलने आते थे, आज आप हमसे मिलने तक नहीं आए। सुरुचि कहे महाराज से क्या पूछता है, अपनी माँ से जाके पूछ। अब उसके मन में अभी तक सुरुचि के लिए कोई ईर्ष्या भाव नहीं आए है, कोई गलत भावना नहीं आई है। वो बच्चा अभी भी कह रहा है कि आप भी तो माता है, आप ही बता दीजिए कि पिता ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो कहे क्योंकि ये महाराज है,
महाराज महारानी के पास आते हैं, दासियों के पास नहीं जाते। वो कहे मेरी माता दासी नहीं है, वो स्मेल की महारानी है। बोले थी, स्थान मुझे दे दिया गया है और मेरा तुम्हारा स्थान मेरे पुत्र उत्तम को। ध्रुव जी कहे उत्तम को जितना मिले मुझे उतनी खुशी हो, अरे मुझे बस पिताजी की गोद में बैठना है। वो कहे गोद में बैठना है तो जाकर भगवान विष्णु से कहना कि तुझे मेरी कोख से पैदा करे, वरना तू नहीं बैठ सकता, चला जाए यहां से। चले गए रोते रोते अपनी माँ के पास। वो रोए जाए, माँ समझा रही है, अलग अलग बच्चा है क्या करे, समझाने की कोशिश कर रही है। एक बार समझाया, दो बार समझाया, तीन बार, वो चुप ही नहीं हो रहा। तो वो झुंझला गई और झुंझलाहट में मानो ये सब तरीके भगवान के हैं कि पहले से ही सब कुछ प्री प्लान चल रहा है कि भक्त बनेगा कैसे। तो झुंझलाहट में उसने जोर से कह दिया कि क्या साधारण से मनुष्य की गोद में बैठने के लिए रो रहा है, बैठना है तो जाकर भगवान विष्णु की गोद में बैठ। दो बार एक ही नाम आ गया, बच्चा है बात दिमाग में बैठ गई। वो कही ये भगवान विष्णु कौन है, मुझे इनसे मिलना है। छोटी माता ने भी कहा था कि पिताजी की गोद में बैठने के लिए इनको ही बोलना पड़ेगा, ये कौन है, ये कहां मिलेंगे। माता ने कहा ये ऐसे नहीं मिलते, इनके लिए तपस्या करनी पड़ती है, वन जाना पड़ता है। तो अभी बहुत छोटा है ना, जब बड़ा हो जाएगा मैं खुद तुझे भेजूंगी। ये कहकर उन्होंने उनको सुला दिया। पर बात तो दिमाग में बैठ गई। मध्य रात्रि में उठते हैं, वो उठ के भगवान को वहीं बैठे बैठे कह रहे हैं कि मैं भगवान विष्णु की खोज में जा रहा हूं, मेरी माता का ध्यान रखना। ये कहकर वो वन की ओर चले गए। अब देखिए भगवान डर गए, बच्चा है, जंगल गया है, उनको डर लग रहा है। तो उन्होंने नारद जी से कहा साथ रहो उसको तपस्या। देखिए बहुत सुंदर प्रसंग है ये कि भगवान ने नारद जी को भेजा पर उनकी तपस्या आसान नहीं करी। ये नहीं कि बच्चा है, नहीं। तो इसीलिए आपकी कठिन परिस्थितियां आपको खुद को ही संभालनी पड़ेगी। रक्षक बन के वो किसी ना किसी को भेजेंगे, वो आपको दिख नहीं रहा पर वो ध्यान रख रहे हैं आपका, वो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कठिन परिस्थितियां कम हो जाएगी, आपकी लड़ाई कम हो जाएगी, नहीं होगी। वो तो जितना लिखा है उतना करना ही पड़ेगा। ये भगवान कम, कई बार लोग कहते ना हम भगवान को इतना मनाते फिर भी दुख आते। अरे भगवान को मनाने का मतलब ये थोड़ी कि दुख हटा देंगे भगवान। भगवान भेदभाव थोड़ी करते हैं कि अरे मेरे को मनाता है चलो इसके सारे दुख माफ, नहीं भाई, नहीं मनाने वाले को दुख दे देंगे, ऐसा नहीं करते। मानो नहीं मानो वो कर्म के हिसाब से काम कर रहे हैं। मानोगे तो एक शक्ति दे देंगे कि परिस्थितियां तो वही रहेगी, लड़ने की ताकत बढ़ जाती है, ये जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो परिस्थितियां हटा देते हैं, लेकिन रक्षा करते हैं, ये पक्की बात है। ये आपको सब मैं हमेशा, मैंने कल भी कहा, एक बार अपना ध्यान मेरे पास क्या नहीं है से क्या है पर लेकर जाओ, आपके 80% दुख वहीं खत्म हो जाएंगे। आपके पास जो है ना वो किसी और के जिंदगी का सपना है कि मुझे इतना मिल जाए बस। इसका मतलब ये नहीं कि और के लिए मेहनत नहीं करो, मेहनत जी भर के करो, जितना चाहिए उतना ग्रहण करो अपनी मेहनत का। मैं नहीं कहूंगी संतुष्ट हो जाओ, जो चाहिए उसके लिए जी तोड़ मेहनत करो, दिन रात एक कर दो, लेकिन जो है उस पर तो ध्यान दो। भगवान नारद जी को भेजते हैं कि आप जाइए उसके साथ रहिए। तो नारद जी आते हैं। अब नारद जी पहले तो कोशिश कर रहे हैं कि इसको वापस घर भेज दूं। तो नारद जी कहते कि अरे तुम कहां घूम रहे हो, तुम्हारे माता पिता ढूंढ रहे होंगे, जाओ अपने घर जाओ। ध्रुव जी कहे आप कौन,
इधर ध्रुव जी कहे कि आप कौन। नारद जी कहे कि मैं नारद हूं। अच्छा आजकल कहानियां बदल गई है, सिंड्रेला और ये सब की कहानियां चलने लग गई है। पहले तो माँ बाप बच्चों को भगवान की कथाएं सुनाते थे, चाहे सोते वक्त सुना रहे हैं आप, कहानियां कम है आपकी कि आप मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हैं। तो उनकी माता ने उनको भगवान की बहुत सी कहानियां सुनाई थी। अब भगवान की कहानी और नारद जी का नाम ना आए हो नहीं सकता, तो वो जानते थे। तो वो कहते नारद जी आपकी तो बहुत सी कहानियां सुनी है मैंने, आप भगवान विष्णु को जानते हैं ना। तो उन्होंने कहा हाँ जानते हैं। बोले मुझे उनसे मिलना है। वो कहाँ मिलेंगे? नारद जी ने कहा वो ऐसे नहीं मिलते, वो जीवित नहीं मिलते, वो क्षीर सागर में रहते हैं, अब जीवित नहीं जा सकते। अब वो सोचने लगे तो वो कहे कि मुझे मृत्यु का भय नहीं है, कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे जीवित मिलना है। नारद जी कहे तो क्या कर सकते। फिर वो सोचते हैं, फिर वो कहे ठीक है मैं नहीं मिल सकता, वो तो मिल सकते हैं। नारद जी ने कहा क्या मतलब? बोले मैं उनके पास नहीं जा सकता तो वो तो मेरे पास आ सकते हैं। नारद जी ने कहा जरूर आ सकते हैं, पर उसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। ध्रुव जी कहते करूंगा, कठोर से कठोर तपस्या करूंगा, मुझे भगवान विष्णु से मिलना है। तो उनकी तपस्या आरंभ करवाते हैं। पहले कहा अन्न त्याग दो, केवल फल और जल पे रहो। फिर कहा फल भी त्याग दो, केवल जल पे रहो। फिर कहा जल भी त्याग दो, अन्न फल जल सब त्याग दिया। धीरे धीरे तपस्या, जैसे मैंने कहा उनकी तपस्या उन्होंने आसान नहीं करी है, पर रक्षा के लिए भेज दिया। एक पैर पर खड़े हो गए हैं। अंत में नारद जी ने कहा अब आखिरी पड़ाव है, ये कर लिया तो भगवान तुम्हारे सामने हो। ये सुनते ही तो मानो उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो कहे क्या करना होगा? नारद जी ने कहा अपनी सांसें रोक लो। उस बच्चे ने एक प्रश्न नहीं किया, कहते ही ध्रुव जी ने अपनी सांसें रोक ली। सांस रुकते ही वहां वायुमंडल शून्य हो गया। देवता भगवान के पास जा रहे हैं, प्रभु उस बच्चे की और परीक्षा मत लीजिए, अब तो उसको दर्शन दे दीजिए। और वहां साक्षात परम पिता परमेश्वर प्रकट होते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब भगवान आते, भगवान कहते उठो पुत्र, देखो मैं आ गया। ध्रुव जी कहे आप कौन? देखा तो नहीं उन्होंने कभी। अरे भगवान कहे मैं वासुदेव जिसकी तुम तपस्या कर रहे हो। अच्छा एक बात बताइए, भगवान आपके सामने आ गए तो आप क्या करेंगे बताओ? हाँ पता नहीं क्या करेंगे, और सबका उत्तर ले रहे, चलिए पैर छुएंगे और उनसे मांगेंगे सुख शांति मांगेंगे। अच्छा और धन्यवाद करेंगे और दर्शन करेंगे। वाह इसीलिए देखिए बच्चा हमेशा फायदे में रहता है। अब अंतर देखिए आप में और बच्चे में, आपने क्या क्या कहा सब सुना आपने, मैंने रिपीट किया इसीलिए है ना। क्या मांगेंगे? हाँ ये कर सकता है, इंसान का कोई फायदा भरोसा नहीं है, है ना। वो आज तक भगवान से मांग रहा है प्रूफ, ये कहा वो कहा ऐसा क्या वैसा क्या, है ना। जिसने दुनिया बनाई उससे ही पूछ रहे हैं कहाँ बनाई कैसे बनाई। तो इंसानों का तो भरोसा नहीं है, करने को क्या कर दे भाई वो। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बच्चा हमेशा फायदे में रहता है, क्यों? क्योंकि आपने कहा पैर छुएंगे ये करेंगे, कोई कहे भूल जाएंगे। भगवान ने जैसे ही कहा मैं वासुदेव, ध्रुव जी ने सबसे पहले जाकर उनको गले लगा लिया। इतने खुश हुए वो, एक तो बच्चा
इतने दिन से भूखा, तपस्या में उसको ऐसा लग रहा है कि मेरी मेहनत सफल हुई। उन्होंने भगवान को गले से लगा लिया। अब ये देख कर कहते ना, भक्त मिल जाए तो भगवान और पागल हो जाते, उनको भक्ति तो नहीं मिलते। हर इंसान जाकर यही बोल रहा है, ये दे दो वो दे दो, भगवान कोई नहीं चाह रहा कि भगवान मिल जाए। उनको लग रहा है मेरा काम करते रहो, काम करते रहोगे मैं पूछता रहूंगा, जिस दिन काम बंद किया उस दिन आप भी गए। यही कर रहा है मनुष्य। तो उनको जब ऐसा कोई मिल जाए तो उनको भी तो उतनी खुशी होती है। तो भगवान ने उनको अपनी गोद में बिठाया। अब भगवान कहते कहो क्यों बुलाया मुझे। ध्रुव जी कहते हैं मुझे आपसे प्रश्न करने। एक तो देखिए व्यक्ति अपनी जिद पर आए तो क्या क्या भगवान को नीचे उतार सकता है। ध्रुव जी को प्रश्न करने खाली भगवान से, इसीलिए उन्होंने इतनी तपस्या करी, भगवान को नीचे बुला लिया। वो बहुत छोटा बच्चा, अभी उसके मन में ये नहीं आया ना दर्शन करना, मोक्ष प्राप्त करने, ये सब उसको प्रश्न करने। और उसके प्रश्न सुनिए, भगवान ने कहा क्या प्रश्न करने। वो कहे मेरे पिता मेरी माता के पास क्यों नहीं आते, छोटी माता ने मुझे गोद से क्यों उतार दिया, छोटी माता ने इतना कुछ कहा पिता ने एक का भी जवाब नहीं दिया। भगवान कहते अरे अरे अरे, इतने सारे प्रश्न एक साथ, एक एक करके पूछो। पहला पूछो जिसका उत्तर सबसे पहले चाहिए। वो कहे छोटी माता ने मुझे पिताजी की गोद से क्यों उतार दिया। तब भगवान ने उनको कोई जवाब नहीं दिया था, उनके सर पर हाथ रखा था और हाथ रखते ही साक्षात मां सरस्वती उनके मस्तक पर प्रवेश करती है, ज्ञान उनके मस्तक पर प्रवेश करता है। तब भगवान ने फिर कहा और कुछ जानना है। ध्रुव जी ने कहा सारे उत्तर मिल गए। असलियत में भगवान ने उनको सच समझा दिया कि रिश्ते नाते ये सब आती जाती चीजें हैं, असलियत में किसको प्राप्त करना है ये समझ लो।